मूवी तो बहुत अच्छी थी, स्पेशली क्योंकि हम लोग गाइड्स हैं और वी आर गाइड्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो जो हम लोग रोज का दिनचर्या हमारा है और रोज़ जो गेस्ट के साथ रिलेशन रहता है हमारा, वो खूबसूरती से दिखाया है। और जो ह्यूमन इमोशंस जो शाहरुख खान ने पोर्ट्रे किए हैं, दैट इज़ अनबीटेबल। अनुष्का इज़ एक्सेलेंट। जनरली अनुष्का मैंने एक दो पिक्चर में देखी थी, मेरे को इतनी अपीलिंग नहीं लगी थी टू बी फ्रैंक, मगर जहाँ पे ये मूवी में शी इज़ एक्सेलेंट, शी इज़ एट पार विद शाहरुख। डायरेक्शन इज सुपर्ब एक्चुअली, और डायरेक्शन इज इट्स वेरी नेचुरल। ही हैज़ बीन एबल टू शो द ह्यूमन रिलेशनशिप कम्स नेचुरली, हाउ नेचुरली यू फॉर्म द रिलेशनशिप, तो वो सब बहुत नेचुरल तरीके से दिखाया गया है। गाने की बात करो, कौन सा गाना आपको अच्छा लगा सॉन्ग? गाना अभी मुझे हाँ, वो राधा का बहुत अच्छा था, क्योंकि उसके पहले जो बीट्स आते हैं कि राधा इज़ लाइक नॉट, इट्स लाइक स्वीट, इट्स नॉट सेक्सी, मगर जब वो दिखाते हैं दोनों को सेक्सी तरीके से प्रेजेंट करते हुए, तो दैट वाज वेरी नाइस। क्या बोलूँ मैं अभी इतना मुझे याद नहीं है। स्टोरी इज़ नाइस, जैसे हर बॉलीवुड मूवी की आती है, मगर जो डायरेक्शन था और जो ह्यूमन इमोशंस दिखाए गए हैं वो एक्सेलेंट थे। पांच में से मैं दूंगी चार। शाहरुख सर तो ऑलवेज पांच, अनुष्का 5.5, इम्तियाज आई विल से उसने जो पोर्ट्रे किया है ना, जो ह्यूमन इमोशंस, वो एक्सेलेंट है, और जो नेचुरल तरीके से दोनों का बॉन्ड दिखाया है वो भी एक्सेलेंट है, तो आई थिंक फॉर दैट आई विल गिव हिम 5। वन टाइम वॉच नो, यू कैन वॉच इट मोर। थैंक यू सो मच।